हेलो, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल हैंडमेड बाय मीनाक्षी। आज मैं पूरे एक साल बाद अपने इस यूट्यूब चैनल में कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इसके बीच में शॉर्ट वीडियो काफ़ी मैंने अपलोड किया है, पर लॉन्ग वीडियो मैं बहुत दिन बाद बना रही हूँ। एक्चुअली मेरे फ़ोन इश्यूज़ हो रहे थे। जो लोग स्मॉल बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कि एक फ़ोन में फ़ोटो भी लेना पड़ता है, वीडियोस भी लेने पड़ते हैं, कस्टमर को भेजने के लिए भी फ़ोटोज़ क्लिक करने पड़ते हैं अलग से, और यूट्यूब चैनल चलाओ तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाओ, उसके थंबनेल रखो, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक फ़ोन में जब आ जाते हैं ना, तो वो फ़ोन काम करना तो एक टाइम के बाद बंद ही हो जाता है। फिर मैंने कुछ दिन वेट किया, फिर कैसे भी मैनेज करके मैं अपना फ़ोन को फिर से काम में लगा रही हूँ, और इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो ही बना रही थी इतने दिन से, और लॉन्ग वीडियो कुछ भी नहीं बन रहा था। तो आज मैं फिर से एक लॉन्ग वीडियो डाली हूँ और सोच रही हूँ कि आगे से मैं कंटिन्यू लॉन्ग वीडियो भी डालूँगी और शॉर्ट वीडियोस भी डालूँगी। मुझे पता है आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे इतनी देर में। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं बकबक करती जा रही हूँ पर नेकलेस के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो चलो बोलते हैं नेकलेस के बारे में। पहले तो जो बोर्ड मैंने लिया है वो उसे कहते हैं माउंट बोर्ड। ये बोर्ड किसी भी क्राफ्ट शॉप में अवेलेबल इजीली हो जाते हैं, क्योंकि इस बोर्ड से ना बच्चों की क्राफ्टें बनती हैं, स्कूल में जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो ये बोर्ड मिलना क्राफ्ट शॉप में बहुत ही इजी है। हर एक लोकल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। पेंडेंट बनाने के लिए मैंने 7.5 सेंटीमीटर की एक सर्कल कट कर ली हूँ, और उसकी जो इयररिंग्स है उसके लिए मैंने 3.5 सेंटीमीटर की दो सर्कल की कट की हूँ। पेंडेंट का जो साइज़ है मैं अपने हिसाब से रखी हूँ, और ये पूरा कस्टमाइजेबल साइज़ होते हैं, छोटे भी किए जा सकते हैं, बड़े भी किए जा सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा पहनना पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने जो कोड़ी शेल की यूज़ की है वो मैं थ्रेड से अटैच की हूँ। ये जंप रिंग से भी अटैच हो सकती है, पर इसकी लुक अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने सोचा कि इसको मैं थ्रेड से अटैच कर देती हूँ। फिर मैंने जब ये अटैच करने गई तो मेरा थ्रेड काफ़ी पतला था, तो फिर मैंने उसको खोला, खोल के उसको दोबारा मैं डबल थ्रेड लगाई हूँ उसमें, तब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब इसको मैं एक एक बीट्स और एक एक सिल्वर बॉल्स डाल के मैं इसको नेकलेस में कन्वर्ट कर दूंगी। नेकलेस की डिज़ाइन कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना मत भूलिएगा कोई भी, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। नेकलेस बनाने के टाइम हमें ये ध्यान में रखना होगा कि लास्ट का जो पार्ट है वो अगर हम ज़्यादा खींच देंगे वायर को ना, तो नेकलेस स्टिफ हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, उसको फिर हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और लॉक बीड्स को अगर आप एक बार लॉक कर दिए तो उसको आप और कुछ कर नहीं सकते, उसको काट के फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा चीज़ को। मेरी नेकलेस अभी रेडी है पर इसकी बैक फिनिश अभी तक हुई नहीं है। मैं यहाँ पे स्टड पिन लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ये स्टड स्टाइल में करना था। आप चाहें तो इसको हुक लगा के हैंगिंग स्टाइल में भी कर सकते हैं। तो मैंने बैक फिनिश के लिए हमेशा कैनवस क्लॉथ या तो बकरम जिसको कहते हैं वो मैं यूज़ करती हूँ। ये बैक फिनिश करने के लिए मैं पहले स्टिक करूँगी जहाँ पे हमने कोड़ी शेल को स्टिच किया है, थ्रेड से अटैच किया है, पहले वहाँ पे मैं उसको स्टिक करूँगी ताकि वहाँ का फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाए। सेम प्रोसेस मैं इयररिंग्स के लिए भी करूँगी। ये नेकलेस पहनने के लिए बिल्कुल रेडी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और नई डिज़ाइन के साथ।